इस वीडियो में हम लोग जानते हैं मनी के बारे में, मतलब मनी का क्या क्या फंक्शंस है और मनी कैसे बार्टर सिस्टम से बेटर है। तो देखो, मनी का जो है बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है बार्टर सिस्टम के ऊपर। बार्टर सिस्टम जैसे आप जानते हो कि अदला बदली, मतलब एक सामान के बदले दूसरा सामान लेना, उसमें मनी का कोई हिसाब किताब नहीं था। और अगर बहुत ज़्यादा इकोनॉमी बड़ा हो जाएगा तो बार्टर सिस्टम वहाँ पर काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मनी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे? सबसे पहले तो जो मनी है, जो पैसा है, उसका एक फिक्स आपका वैल्यू होता है। जैसे 10 रुपये का नोट है तो 10 रुपये का नोट है, फिर 5 रुपये का सिक्का तो 5 रुपये का सिक्का, 500 का, 1000 का, 2000 का, जो भी है, इस प्रकार आपका पैसा का एक फिक्स वैल्यू है। लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा फिक्स वैल्यू नहीं था। आपका चावल का दाम कुछ भी हो सकता है, मतलब कि देने वाले को मन करे तो आपका चावल के बदले 15-20 किलो आपको गेहूं दे दे, या फिर हो सकता है कि 1 किलो चावल के बदले आपको कुछ ना मिले, तो उसका कोई गारंटी वैल्यू, फिक्स वैल्यू नहीं है। लेकिन मनी का एक फिक्स वैल्यू है कि 10 रुपये में आपको एक बिस्किट मिल जाएगा तो 10 रुपये में आपको एक बिस्किट कहीं पर भी मिल जाएगा ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। दूसरा नंबर है कि मनी जो है वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मतलब कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में या पूरा दुनिया भर में कहीं पर भी आप पैसा अगर दोगे उसकी करेंसी में, जैसे अमेरिका में डॉलर्स, इंडिया में रुपीस में, पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपीस में, अगर आप दोगे तो वो मना नहीं करेगा, ये नहीं बोलेगा कि नहीं मुझे नहीं लेना है, ऐसा नहीं होता है। मतलब पैसा अगर दोगे तो वो एकदम ले लेगा, तो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाता है कि पैसा से आप खरीद सकते हो कोई भी चीज़। लेकिन बार्टर सिस्टम में ये एकदम नहीं पॉसिबल है, या पॉसिबल है बहुत कम, बहुत रेयरली। जैसे आप लोग 1 किलो सेब लेकर के जाओगे अमेरिका में और बोलोगे 1 किलो सेब के बदले हमको 5 घर दे दो, ऐसा थोड़ी होता, वो तो मना कर देगा, है ना, मोस्ट प्रोबेबली वो मना कर देगा। तो इसलिए बार्टर सिस्टम मीडियम ऑफ एक्सचेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। साथ ही साथ मनी का अगर बात करें तो वो स्टोर ऑफ वैल्यू है, मतलब मनी अगर आप रखोगे तो उसका दाम वही रहेगा। जैसे अगर 2000 रुपया का नोट है तो वो आज भी 2000 का रहेगा, 5 साल के बाद भी 2000 का रहेगा, बस नोटबंदी जैसा कोई भयानक फैसला सरकार ने ले रहे तो 2000 का नोट आज भी वही 2000 का नोट रहेगा, कल भी वही 2000 का नोट रहेगा। आज भी आप 2000 में मान लेते हैं कि एक अपना शर्ट पैंट खरीद सकते हो, शायद कल भी आप वही शर्ट पैंट खरीद सकते हो, उसका वैल्यू सेम रहेगा। लेकिन बार्टर सिस्टम में ये कहानी नहीं है। अगर मान लेते हैं बार्टर सिस्टम में एक बोरी चावल के बदले आपको एक सोने का गहना मिल रहा है, तो आपका जो बोरी, जो आपका चावल का बोरी है उसमें अगर कीड़ा लग गया या फिर वो खराब हो गया तो आपका सोना भी गया, है ना, तो उसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, वो जो है वो धीरे धीरे खत्म भी हो सकता है। पचमा आपका क्या है, मनी का जो है वो पैसे का एक बहुत ज़्यादा फायदा है कि वो ऊपर से नीचे आ सकता है, मतलब कि जो आपके पापा के पास पैसा था वो आपके पास आ सकता है, जो जगह जमीन आपका पापा के पास था वो आपके पास आ सकता है। लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं होगा। क्या बार्टर सिस्टम में पापा जो है वो मरते समय अपने बेटे को बोले कि देखो 1 किलो चावल रखा हुआ है, इसको आप बेच के कुछ भी खरीद सकते हो, ऐसा तो नहीं होगा। क्योंकि बार्टर सिस्टम में जैसे हम बताया कि 1 किलो चावल का दाम क्या होगा कोई नहीं कह सकता, लेकिन मनी में ऐसा नहीं है। मनी में अगर अपना बाप बेटे को बोला कि देखो 5 लाख रुपये रखे हुए हैं, तो बेटा तो एकदम खुशी से उछल पड़ेगा, है ना, फिर वो ध्यान ही नहीं देगा कि उसके पापा मर रहे हैं कि क्या हो रहा है, वो 5 लाख का हो जाएगा। तो इसलिए वो ऊपर से नीचे आ सकता है, मतलब कि ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये सब कुछ कुछ फायदा है मनी का, मनी का कुछ कुछ फंक्शंस है, मनी का कुछ कुछ फायदा है बार्टर सिस्टम के ऊपर। एंड इस वीडियो में बस इतना ही। एंड अगर आपको कुछ भी बताना है, बोलना है, या फिर अपने विचार प्रकट करने हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आओ, कमेंट सेक्शन में विचार अपने अपने प्रकट करो। एंड इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, उन दोस्तों के साथ भी शेयर करो जिनको कि बार्टर सिस्टम और मनी के डिफरेंस के बारे में नहीं पता है, और मनी का क्या बार्टर सिस्टम के ऊपर एडवांटेज है उसके बारे में भी नहीं पता है। तो और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो, एंड थैंक यू वेरी मच।